चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चंस देखना या तो अभी लिख लो या रिकॉर्डिंग से देख के रखना। लिख लिखने हैं लिख लो। हाँ लिखना जरूरी है। अभी लिख लो तो फिर सॉल्व करो। पहले सॉल्व फिर लिखो। ओके चलो देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज, एक ग्राउंड के पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। ओके एंड फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर अबव दिस पॉइंट, मतलब 10 मीटर अबव दिस पॉइंट एक पॉइंट है जहां से टावर की एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। करेक्ट, आपको हाइट ऑफ टावर निकालना है। ठीक है, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। करेक्ट, ये 10 है ये भी 10 होगा। अच्छा देखते हैं, चलो इस ट्रायंगल में इसको हम x ले लेते हैं। सर और जो अपोजिट लाइन होगी वो भी इक्वल। हाँ ये दोनों भी इक्वल होंगे, वो दोनों को इक्वल कर, इन दोनों को y ले लेते हैं, tan लगा के इक्वल। तो tan 30 इज इक्वल्स टू x बाय y। ठीक है, तो 1/√3 इज इक्वल्स टू एक्स बाय वाई, वाई इज इक्वल्स टू एक्स रूट थ्री। ठीक है, अब देखते हैं टैन 60 लगाते हैं। टैन 60 इज इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स बाय वाई। ठीक है, तो रूट थ्री इज इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स बाय वाई, वाई इज इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स बाय रूट थ्री। तो हमारे पास वाई की दो वैल्यूज है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। एक्स रूट थ्री इज इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स बाई रूट थ्री, रूट थ्री इंटू थ्री रूट थ्री इज थ्री, थ्री एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स, थ्री एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू 5। अगर x 5 है तो हाइट ऑफ टावर कितनी हो गई, 5 प्लस 10 15। ठीक है, जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ेंगे। सर आज कितने क्वेश्चन है? जितने भी हो जाए, आई डोंट थिंक ज्यादा होंगे बिकॉज सबको प्रॉपरली लिखने में टाइम लगता है। जल्दी लिखो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 15 मीटर हाई बिल्डिंग, टॉप ऑफ अ 15 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द केबल टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 30 डिग्री। ठीक है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, अच्छा ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो इसमें हम लगा देते हैं tan 30। tan 30 इज इक्वल्स टू 15 बाय, मान लो इसे x ले लेते हैं, तो tan 30 इज इक्वल्स टू 15 बाय x, 1/√3 इज इक्वल्स टू 15 बाय x, x इज इक्वल्स टू 15√3। तो अगर x 15√3 है तो ये कितना आया, 15√3। ठीक है, अच्छा अब ये वाली साइड देखते हैं, tan 60 लगाते हैं। tan 60 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट, मान लो इसे y लेता हूँ, y डिवाइडेड बाय adjacent which is 15/√3, tan 60 is root 3 is equals to y upon 15/√3, y is equals to 15 into root 3 into root 3, 3, 15, 3, 45, y 45 आ गया, and यहां से यहां तक same है, 15, तो height कितनी आ गई, 45 plus 15, 60, ओके नोट कर लो जल्दी से। देखते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक सेकेंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड ऑन अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, मान लो बिल्डिंग है 10 मीटर की, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम ऑफ टावर इज, बॉटम कितनी है 30 डिग्री एंड टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, ये टावर है, ए बी टावर है। ठीक है, अच्छा मान लो इसको एक्स ले लेते हैं,
फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो अगर मैं tan 30 लगाऊं, ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला, दिस विल बी इक्वल टू ऑपोजिट 10 डिवाइड बाय एडजेसेंट, इसको y ले लेते हैं। तो tan 30 1/√3 इज इक्वल्स टू 10 बाय y, y इज इक्वल्स टू 10√3, 10√3 आ गया y, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमें 10√3 मिल गया। अब हम निकालते हैं बड़े वाले ट्राइंगल में, सो tan 60 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट 10 + x डिवाइडेड बाय एडजेसेंट विच इज y या फिर 10√3। तो tan 60 इज √3 इज इक्वल्स टू 10 + x डिवाइड बाय 10√3, ठीक है। तो 10√3 इनटू 3 इज 30 इज इक्वल्स टू 10 + 30 इज इक्वल्स टू 10 + x, x इज इक्वल्स टू 30 - 10 20। तो अगर ये 20 आ गया, ठीक है, तो टावर की लेंथ कितनी है 20। सिद्धांश ने हमें गलत करवाया, तो चाहते ना तेरी एक्यूरेसी ज्यादा है, समझ समझ रहा हूँ। ठीक है मैथ में तो है भी नहीं, तभी तो बताओ। तो मैथ में कुछ लीडर बोर्ड भी नहीं होगा। अभी इतनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है। मैंने सोचा टोटल है, कोई नहीं। टाइम से बढ़ा दी इस चीज का, होमवर्क कौन सा होमवर्क? इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाई टावर, ठीक है। तो 100 मीटर हाई एक टावर है, ओके। मैन ऑब्जर्व टू कार विद द डिप्रेशन एंगल्स 30 और 45। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पहला क्या हो गया, 30। सर दूसरा क्या हो अपोजिट गया, साइड, ऑपोजिट साइड अपोजिट से, साइड। सर मेरे ठीक। को यही बात पूछनी थी, अगर वो टावर पे खड़ा है तो एक टाइम पे दोनों टावर को कैसे देख सकता एक पॉइंट पे तो कोई भी इंसान दो पॉइंट देख ही नहीं सकता, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो कोई डायरेक्शन में हो। तो दो डिफरेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। ही ऑब्जर्व्स टू कार्स ऑन अपोजिट साइड्स विद द एंगल ऑफ रोटेशन 30 और 45। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स। अपोजिट है, ठीक है, निकालते हैं। ये 100 है, इसमें लगाते हैं हम tan 45, ठीक है। इज इक्वल्स टू, मान लो ये 100, ये क्या है एडजेसेंट, इन एनी केस इसको 45 ले, तो इसको भी क्या ले सकते हैं हम 45 तरीके से, ये 30 तो ये भी सर 30, आपने ठीक गलत है। बनाया है डिप्रेशन का, वो हाँ वो गलत बनाया है, एक सेकेंड। आपने उसके हिसाब से ही बना दिया। हाँ ये हो गया एंगल्स, एक सेकेंड। कहाँ गया फिर, हाँ ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 45 है तो ये भी 45, ऑर्डिनेट डियर एंगल्स, ठीक है। तो ये 100 मीटर है। अगर मैं tan 45 लगाऊं तो ऑपोजिट 100 डिवाइडेड बाय, इसको यहां से यहां तक को एक्स ले लेते हैं, यहां से यहां तक को वाई ले लेते हैं, 100 बाय x। तो tan 45 इज 1 इज इक्वल्स टू 100 बाय x, x इज इक्वल्स टू 100। y देखते हैं, अब tan 30 इज इक्वल्स टू 100 बाय y, तो y कितना आ गया, तो 1/√3 इज इक्वल्स टू 100 बाय y, y इज इक्वल्स टू 100√3, ठीक है। y कितना आ गया, 100√3। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, दोनों का डिस्टेंस, मतलब x प्लस y, तो दिस इज 100 + 100√3, दिस इज इक्वल्स टू 100 कॉमन ले ले अगर 1 + √3, तो दिस इज इक्वल्स टू 100, 1 + 1.73, सो 100 × 2.73 एंड आंसर 273, ठीक है। मेरा भी आई डी आ रहा था, हाँ ठीक है, मैं उन्होंने 3 पॉइंट्स तक लिखा है ना, उन्होंने 1.732 तक लिखा, इसीलिए फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सही आएगा। एनीवेज जल्दी लिखो ये।
क्या जो हमने वो लिख रखा है 30 इज इक्वल टू 100 बाय y इज इक्वल टू 100 प्लस x होगा ना 100 प्लस x नहीं होना एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना 100 इनटू 100 x इनटू 1 इज x x इक्वल टू 100 आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने से ये देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो 1 बाय 1 है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया क्या आ गया x इज इक्वल टू 100 बस x की वैल्यू 100 आ गई ठीक है और आपने 145 के उस पे लिया हां 45 वाले में 100 आया x ये लेकिन 30 वाले में आया देखो 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 100 बाय y क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या है y इज इक्वल टू 100 रूट 3 ठीक है तो फिर हमने हमें वैल्यू किसकी चाहिए मेरा भी 100 रूट 3 आ गया हां तो हमें वैल्यू चाहिए x प्लस y ठीक है इसलिए मैंने 100 प्लस 100 रूट 3 कर दी ठीक है लिख लिया सबने ओके नेक्स्ट करते हैं ओके सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर तो एक बिल्डिंग है एक टावर है ठीक है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये बिल्डिंग है टावर है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री टावर पड़ा इफ टावर इज 60 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग ठीक है चलो ठीक है देखते हैं तो tan 60 is equals to इसका हम x ले लेते हैं इसको y ले लेते हैं 60 upon x tan 60 is root 3 is equals to 60 upon x x is equals to 60 by root 3 ठीक है अच्छा x की वैल्यू आ गई अब tan 30 दूसरा ट्रायंगल देखते हैं tan 30 is equals to opposite again y divided by x तो tan 30 1 upon root 3 is equals to y divided by 60 रूट थ्री ठीक है सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री बाय वाई इज इक्वल टू 20 ठीक है तो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ गई 20 मीटर्स जल्दी लिखो ये नोटबुक आपकी नोट एक ये क्वेश्चन आपकी नोटबुक्स में होगा देख लेना नेक्स्ट करते हैं चलो करो अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप डेक ऑफ द शिप मतलब एक पर्टिकुलर हाइट होगी शिप की तो उसके ऊपर खड़ा है एंड डेक ऑफ द शिप इज 10 मीटर तो यहाँ पे खड़ा है इंसान ठीक है ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिल एज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बेस एज 30 डिग्री ये हिल हो जाएगा ठीक है ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा ठीक है अच्छा अब इसमें ये 30 है ये भी 30 हो गया तो आपके बेस क्या आ जाएगी मान लो इसको y लेते हैं ये y तो ये भी y होगा और इसको x ले लेते हैं ठीक है तो tan 30 is equals to opposite 10 divided by adjacent y 1 by root 3 is equals to 10 by y y is equals to 10 root 3 ठीक है अब देखते हैं tan 60 लगाते हैं इज इक्वल्स टू x बाय y तो रूट थ्री इज इक्वल्स टू x बाय y की वैल्यू 10 रूट थ्री x कितना आ गया 10 इंटू 3 30 मीटर्स मुझे हाइट ऑफ हिल निकालनी है 30 प्लस 10 कितना आया 40 ठीक है तो मुझे हाइट चाहिए थी इसमें क्योंकि ऑब्वियसली अगर मेरा दूसरा आंसर क्या है 10 रूट थ्री
है ना, वो तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा, 40 दिख रहा है तो 40 से रख कर, पर ऐसे आएगा नहीं, हमेशा क्वेश्चन ही ऐसे ही आएगा. फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, ये है क्वेश्चन 41. हाँ, हाइट ऑफ द हिल पूरा ऐड हो गया ना दोनों, 30 प्लस 10.